ये देखिए भाई, आपका बहुत लोगों का ये कमेंट आता है कि जो है कि हमारा मशीन जो है कि कम ज़्यादा रेस होता है, एक तरीके से इसका टाइमिंग नहीं रहता, तो उसका जो है कि प्रॉब्लम हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस वजह से जो है कि आपका मशीन एक जैसा नहीं चलता, कमी ज़्यादा रेस होता है, टाइमिंग जो है कि बराबर नहीं रहता। तो आप देख सकते हैं सब में पहले ये जो है कि गवर्नर पट्टी है, ये बॉश पंप में वर्किंग करता है। देखिए आप देख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो है कि आप चेक करना है। देखिए यहाँ पर जो है कि इसका इसका जो है कि जीज हो चुका है, यहाँ पे जो है कि ये ख़त्म हो चुका है, तो इसको चेंज करना सब में पहले वाले पट्टी को, गवर्नर पट्टी को। उसके बाद में जो है कि देखिए यह हमें VST कंपनी का ओरिजिनल गवर्नर पट्टी लाया है, आपको दिखा सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं इसका दोनों भी साइड किस तरीके से क्लीन है। और ये जो है कि ये गवर्नर वेट है इसका, इसको भी चेंज करना है। अरे जो कि गवर्नर रॉड है, ये भी चीज़ आपको चेंज करना है, ताकि जो है कि आपका प्रॉब्लम जो है कि मशीन जो स्टेबल नहीं चलता और एक एक जैसा जो है कि उसका फायरिंग नहीं आता, मशीन कमी ज़्यादा रेस होता है, ये जो है कि तीन तीन चीज़ में जो है कि इसका प्रॉब्लम होता है। जब भी आप इंजन को ओवरऑल करेंगे, इसका जनरल काम करेंगे, तो ये तीन चीज़ को हमेशा जो है कि चेंज करना है भाई। तो अभी हम इसको फिटिंग करेंगे, आप देख सकते हैं किस तरह हम इसको फिट करते हैं। ये देखिए इसको 10 नंबर का 2 बोल्ट है, क्रैंक दरा मामा फिर ला क्रैंक। इसको रोके, इसको चेंज इसको इस तरीके से गियर को लॉक करना है और फिर ये नट को जो है कि टाइट करना है सही तरीके से। ये 10 नंबर 2 बोल्ट टाइट होने के बाद में आप जो है कि ये गवर्नर रॉड को जो है कि हम फिट करेंगे। आप रॉड को किस तरीके से फिट किया जाता है वो भी आपको दिखा दे। देखिए ये रॉड भी जो है कि किस तरीके से घिस गया है, ये पूरा वाला देखिए, ये वाला पार्ट जो है कि उसका पूरा घिस गया है। तो अभी रॉड को चेंज करने के वक्त देखिए कंपनी ने इस तरीके से जो है कि 2 कलर दिया है इसको, तो आपको जो है कि ये वाला मार्किंग जो है कि ऊपर रखना है, ब्लैक वाला अंदर डाल देना है। जैसे देखिए इस वाले में है, ये कंपनी का है, देखिए यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ पर पूरा ये देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से जो है कि इसको फिट करना है, हथौड़ी का ये देखिए यहाँ पे फिट हो गया। देखिए इस तरीके से ये वर्किंग करता है, जब भी आपका ट्रैक्टर गवर्नर इस तरीके से काम करता है। अब रहेगा अब इस पट्टी को हम चेंज करेंगे, देखिए आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये वर्किंग करता है ये पार्ट। अभी ये जो है कि ये तीन चीज़ बदलने के वजह से जो है कि आपका ट्रैक्टर का जो मशीन जो स्टेबल नहीं रहता है, कमी ज्यादा स्ट्रेस होता है, उसका प्रॉब्लम जो है कि सॉल्व हो जाएगा।
तो आप बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं, तो भाई इस वीडियो को ध्यान से देखना ताकि जो है कि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो सके। कट कर।